पिछले 5 वर्ष से बन रहा आंगनवाड़ी भवन नहीं हो पाया पूर्ण। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह निर्माण कार्य होते हैं जो 5 सालों में भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इसकी एक वानगी विकासखंड थराली के सुदूरवर्ती गांव डुंगरी में, जो कि राजस्व ग्राम दरमोला में दिखाई देता है, जहां 2017 से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी तक यह भवन में छत नहीं पड़ पाई है, जिस कारण भवन के अंदर घास और बिच्छू घास सहित कई खरपतवार उग चुके हैं। वहीं स्थानीय महिला माहेश्वरी देवी का कहना है कि वर्तमान समय में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 है, लेकिन भवन ना होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के घर पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिस कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। वहीं स्थानीय निवासी केदार दत्त कहते हैं कि 2017 में आंगनवाड़ी भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें उनके द्वारा श्रमिक का कार्य किया गया और उन्हें आज तक भी मजदूरी नहीं मिल पाई है और आंगनवाड़ी भवन अभी तक अटका हुआ है। उन्होंने इसे शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। मैं श्रीमती माहेश्वरी देवी और यहाँ पे दरमोला में हमारी आंगनवाड़ी का कार्य 2017 से चल रहा था, 5 साल हो गया, आज तक पूर्ण नहीं हुआ है और कनाली जमी है, घास भी बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। तो मेरी गुजारिश है कि आंगनवाड़ी को जल्दी से काम शुरू करें। लगभग बच्चे हैं यहाँ पढ़ने वाले, ये व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ, घर घर में ये घर घर में पढ़ रहे हैं, ये अपने घर में जो आंगनबाड़ी करता है उसके घर पर पढ़ते हैं। तो ये आंगनबाड़ी का कार्य चल रहा था, इस निर्माण को रोका गया है और हम कार्यकर्ता लोग, हमको कोई मजदूरी नहीं मिली इसमें और ये खंडर पड़ा हुआ, घास जम गई इसमें बहुत ज़्यादा, ना इसको पूछने वाला कोई आता है और ना इसमें कोई बोलने वाले आते हैं। इसमें निर्माण जल्दी से जल्दी चाहते हैं हम लोग कि इसको कुशल मजदूरी मिल जाए और